नमस्कार मित्रों, नमो नमः। अव्यय का टॉपिक लेके चल रहे हैं। अव्यय 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 किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये जानना है। अव्यय पे आए सबसे पहले, वे शब्दांश जो तीनों लिंगों तीनों वचनों एवं सातों विभक्तियों में समान रहें, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं हो, वह अव्यय कहलाता है। वह अव्यय कहलाता है, नंबर एक। सबसे बड़ी बात इसमें यह है। दूसरे पे हम बात करें इसी चीज को लेकर के, यहां हम परिवर्तित कर देते हैं को। भाई अव्यय कहते किसको है, जो तीनों तो लिंगों में, तीनों वचनों में और सातों विभक्तियों में समान रहे, कोई परिवर्तन नहीं, उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। कैसे, संस्कृत अव्यय और उसका हम हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ में लेके चलेंगे। जैसे अद्य, अत्र, स्व, हय, परहय, परस्वः। अब इनका मीनिंग जब निकालते हैं, अद्य का अर्थ होता है आज, अत्र का यहां, स्वः आने वाला कल, बीता हुआ कल,
बीता हुआ परसों। आने वाला परसों। आने वाला परसों। इसी तरह आगे भी गया तो हम करें पर है अध्य का हो गया, फिर करें उच्चई निचई आधा ऊपर ऊंचा या ऊपर नीचा या नीचे अधय का अर्थ भी नीचे ही होता है या नीचा होता है। फिर आया हमारे पास अभीता दोनों और पारितय चारों और समया समीप निकषा निकट निकषा निकट हा खेद धिक धिक्कार प्रति की ओर अंतरा बीच में अंतरेण के बिना सह साथ साकम का अर्थ भी साथ सारधम का अर्थ भी साथ समम का अर्थ भी साथ युगपद के साथ इसके अलावा और अव्यय पद कौन से हैं नमः झुक कर नमस्कार स्वस्ति सभी का कल्याण स्वधा पितरों द्वारा कल्याण स्वाहा अग्नि कल्याणकारी
आलम, निषेध या पर्याप्त वसट इंद्र कल्याणकारी इंद्र कल्याणकारी यहां हमारे पास में ये चीजें जो उपलब्ध हैं हम इन पर चलेंगे। अलम वसठ, फिर हमारे पास पंचमी विशेष में आता है विना, नाना, पृथक, बिना अर्थ में, भिन्न अर्थ में, अलग अर्थ में, ये सभी क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और इन अव्ययों के बारे में हमें यहां ध्यान रखना होगा कि यहां पर अव्यय कौन कौन से हैं। पृथक तक हम आ चुके हैं, अब पृथक से आगे की ओर हम चलेंगे कि और कौन से अव्यय हैं, उन अव्ययों पर भी। तो ये रहा अगला उत्तरते, उत्तर की ओर, दक्षिणते, दक्षिण की ओर, कृते के लिए, अंते अंत में, पश्चात पीछे, चे और, यथा जैसे, तथा वैसे, यथा तथा यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, खलु निश्चय, नूनम निश्चित, किल वार्ता, आम, हाँ, ने, नहीं, अस्तु, ठीक, कुशलम, कुशल, कुशल।
ये सारे क्या हैं? अव्यय विशेष हैं। अव्ययों की बात करें तो टॉपिक अव्ययों का है ये, और इसी के साथ में और भी बहुत सारे अव्यय हैं हमारे यहाँ पर जिसकी मैं बात और कर रहा हूं। कैसे हैं? बहिर, बाहर, अंत है, अंदर, बहिर, अंत, कदापि, कभी भी, कदापि, कभी भी, फिर इसके बाद में हमारे पास और जो अव्यय की बात करें तो उस पे आता है एकदा, एक बार, सदा, सब, कदा, कब, तब, यदा, जब, कदा, कब, ये सारे अव्यय ही अव्यय हैं। इन अव्ययों की जब बात करते हैं, जिन अव्ययों पर हम यहां टिके हुए हैं, इसी पर ही परीक्षक का एक विशेष रूप से प्रश्न बनता चला आता है कि जब इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने। और ऐसी स्थिति में जब हमारे पास ये अव्यय हैं और उन अव्ययों पर लेकर के परीक्षक कई बार पूछ बैठता है, जैसे तथास्तु शब्द है, तथास्तु में अव्यय है कि नहीं है, अत्र शब्द है कि नहीं है, न है, च है, नूनम है, किले है, कुत्र है, तो ये सारे अव्ययों की बात हो रही है। और इन अव्ययों का प्रयोग हमेशा हम कहाँ करते हैं? विशेष रूप से हम वाक्यों में करते हैं। इन्हीं अव्ययों को ध्यान में रखते हुए हम आगे और भी देखते हैं। और भी कहा गया कि ल्यप, तुमन, कत्वा प्रत्ययों से बने क्रियापद भी अव्यय कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? देखो, उत्थाय, विहाय, आदाय, और आदाय, आनीय, ये ल्यप प्रत्यय से बने हुए हैं। तो ये सारे सारे किससे हैं? ल्यप से, ल्यप प्रत्यय से बने हुए। तुम उन प्रत्यय से बात करें तो कर्तुम, खादितुम, पठितुम, वक्तुम, द्रष्टुम, ये सब अव्यय कहलाएंगे। अगला है मेरा कत्वा प्रत्यय से, खादित्वा, पठित्वा, हसित्वा, उक्त्वा, चित्वा,
ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, और इन क्रियापदों से यूं कहेंगे, इन प्रत्ययों से बने हुए जो पद हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। ये चीजें आपको यहां ध्यान विशेष रखनी है। अब इसी चीज को लेकर के, इसी बात को ही हम समझते हुए आगे की ओर चलेंगे, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि आगे करना क्या है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए क्रम में जब हम चलते, तो मित्रों इससे प्रश्न कैसे बनते हैं अव्यय से, वो भी चले देखें। तो बेटा प्रश्न पहला है, स प्रातः उत्थाय भ्रमणम करोति। तो सुबह दोपहर शाम इन सभी को अव्यय कहलाते हैं, ध्यान रखना होगा। तो हम एक अव्यय और आ गए हैं, हमारे पास एक अव्यय और आया है, यहां ध्यान रखना होगा कि प्रातः सुबह ये भी अव्यय है, मध्याह्न दोपहर सायं शाम, ये भी अपने आप में क्या है, अव्यय है। तो प्रश्न यहां ये पूछ रहा है कि इत्यत्र अव्यय पदानि कति, अव्यय पद कितने हैं। नंबर एक, एकम, द्वौ, त्रय और चत्वारे। अब हमें यहां ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रश्न यहां दिया गया उस पर जब हम बात करें, नमस्कार मित्र यहां पर, और यहां पर प्रश्न ये है कि इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहां पर दो अव्यय दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है प्रातः और दूसरा उत्थाय, तो यहां दो अव्यय होंगे। इसी प्रकार जब हम प्रश्नों की बात करें और सब चीजों को समझें, तो हमें हर चीज को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। और जब हमने यहां समझने की कोशिश की, तो अगला है, अत्र कुशलम तत्रास्तु इत्यत्र कति अव्यानि, कितने अव्यय हैं यहां। तो आपको यहां देखना है कि अव्यय यहां कितने बने हुए, एकम एक है, ये द्वौ है, त्रय है या चत्वारी है। आपको एक एक चीज को यहां देखते हुए चलना है और फिर यहां सोचना भी है कि यहां एक है अत्र, दूसरा है कुशलम, तीसरा है तत्र, चौथा है अस्तु, तो चार अव्यय पद हैं यहां पर। कति अव्यानी, अव्यय कितने हैं, यहां चार हैं, एक है अत्र, एक है कुशलम, तीसरा है तत्र, चौथा है अस्तु, तो यहां चार अव्यय हैं। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों की यहां माध्यम से मैं इनको समझा रहा हूं कि एग्जामिनर हमसे कैसे पूछने वाला है। उदाहरणों को लेकर के और भी हम जब आगे बढ़ेंगे, तो यहां वाक्य विशेष में हमेशा ही एक परीक्षक पूछता है कि नमः अव्यय योगे विभक्तिरस्ति या विभक्तिर्भवति। नंबर एक, पहला है
चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी या षष्ठी। सब कुछ हो मगर यहां पर उत्तर है आपका ए। इसी तरह से मेरे पास अगला प्रश्न भी है जिस पर हम मैं बात करने वाला हूं। यहां पर देखना है कि अभिपद कहां क्या बना रहा है। परीक्षक पूछ रहा है अभिता परिता समया अव्यय प्रयोगे विभक्ति भवति। और यहां पर मेरे पास है पहला, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। चतुर्थी जब मैं लेके इसको चला तो मुझे यहां दिखाई दिया कि अब मेरा आंसर, इसलिए कहा जीतेंगे आप, ये बी आंसर है यहां पर बिल्कुल। तो इस तरह से अव्यय से संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो हमें यह चीज ध्यान रखना होगा कि अव्यय से प्रश्न क्या बनते हैं, अव्यय कौन कौन से हैं और इन अव्ययों का प्रयोग कैसे होगा। इसी साथ ढेरों शुभकामनाओं के साथ अगली कक्षा के लिए बने रहिएगा। नमो नमः, नमस्कार।